लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। स्टार जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया श्री कुर्बान अली। कुर्बान अली ऐसे पत्रकार हैं जो उन पत्रकारों से हटकर हैं जो पत्रकारिता भी करते हैं, अपनी रिपोर्ट अच्छी हो या बुरी हो लेकिन उसकी पब्लिसिटी भी करते हैं ताकि लोग उन्हें जाने कि वो कितने बड़े पत्रकार हैं। और दुर्भाग्य की बात यह होती है कि उनकी रिपोर्ट कभी भी उन लोगों को लेकर के नहीं होती है जिन लोगों के लिए पत्रकारिता में मूल रूप से कहा गया है कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस ये जर्नलिज्म होता है। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और जब से इंटरनेट आया है, तब तक ऐसे लोग थोड़े ज्यादा मुखर हो गए हैं जो लोगों को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। कुर्बान अली उनमें से नहीं है। कुर्बान अली के पिताजी, हम जिनके बारे में अभी कुर्बान अली से खुद जानना चाहेंगे, और कुर्बान अली ने जब पत्रकारिता शुरू की, कैसे शुरू की, कैसे वो पत्रकारिता में आए और पत्रकारिता में आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया जिससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिला, इसके बारे में हम अभी स्वयं श्री कुर्बान अली से जानेंगे। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने घोषणा की कुर्बान अली जी के नाम की, तो मुझे मैसेजेस भेजे उनके बारे में, और जो मैसेजेस भेजे वो ये बताते हैं कि कुर्बान अली की पत्रकारिता का असर उन पत्रकारों के ऊपर कितना है जो लोगों से जुड़ी हुई पत्रकारिता करते हैं। हमारे साथ कुर्बान अली जी आ गए हैं। नमस्कार कुर्बान अली, आपको स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आप, मैं सबसे कहता हूँ, जिस जो मेहमान हमारे यहाँ आता है, और संयोग की बात है कि वही मेहमान आते हैं जिन मेहमानों को आना चाहिए, तो उनसे मैं पहला सवाल यही करता हूं कि आप अपने नाम का विश्लेषण कर दीजिए, अपना अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए, अपनी थोड़ी तकलीफों के बारे में बताइए, अपनी थोड़ी सफलताओं के बारे में बताइए, अपना अपने ऊपर किसकी छाप ज्यादा पड़ी, लेकिन बहुत संक्षेप में ये सब अगर बताएंगे तो फिर हम आगे पत्रकारिता के ऊपर बातचीत शुरू कर पाएंगे। तो कुर्बान अली क्या है, ये कुर्बान अली से सुनना मजेदार रहेगा। सबसे पहले तो संतोष भारती साहब, आपको मुबारकबाद कि आपने जो ये सीरीज चलाई है उन जर्नलिस्ट के बारे में जिनकी शायद अब लोगों को याद नहीं रही है, या लोग उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं क्योंकि एक दूसरे मीडिया का दौर है। तो ये सिलसिला शुरू करने के लिए आपको मुबारकबाद और शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने इस नाचीज को याद किया। मैं तो आप उदयन शर्मा, एमजे अकबर, इन तीन चार लोगों को अपना आइडियल मान करके जर्नलिज्म में आया था 35-40 साल पहले, और रविवार और संडे यही हमारे लिए मील का पत्थर थे। और इन्हीं से जर्नलिज्म पहले पढ़ा और फिर सीखा और फिर किया। तो एक तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। और जहां तक मेरा अपना जाती सवाल है, आपने जिक्र किया मेरे मरहूम वालिद का, कैप्टन अब्बास अली साहब, तो इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने एक ऐसे घर में जन्म लिया, एक ऐसे बाप का बेटा होने का फख्र मिला कि जिसने नेशनल मूवमेंट में रहते हुए, राष्ट्रीय आंदोलन में रहते हुए, देश की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक क्यादत में, नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और डेथ सेंटेंस तक हासिल किया। वो अलग बात है कि मुल्क आज़ाद होने की वजह से वो रिहा कर दिए गए और बाद में वो सोशलिस्ट मूवमेंट में सक्रिय रहे। तो मेरी जो आंख खुली है वो एक ऐसे घर में कि जहाँ सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस, ये आप कह सकते हैं कि मुझे घुट्टी में मिले। और जब होश संभाला, नाम तो मेरा कुर्बान अली, मेरे वालिद ने रखा, अली पे कुर्बान होना इसका मतलब है। लेकिन जो बाकी चीजें हुई, जो सीखी वो मैंने, वो आंख खुलते ही कानों में जो एक आवाज पड़ी वो नारा था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, यानी संयुक्त सोशल पार्टी। और उसके जो लीडर्स थे उस जमाने में, चाहे वो राज नारायण हो, मधुलिमय हो, रामसेवक यादव, मणिराम बागड़ी, इन उग्रसेन, इन सारे लोगों का घर में आना जाना। लोहिया जी का मुझे ज्यादा होश नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि लोहिया जी भी हमारे गांव आते जाते रहते थे। लेकिन वो दौर, तो उस वक्त में
जो समाजवादी आंदोलन से रिलेटेड मैगजीन साहित्य था वो घर में बहुत आता था। चौखंबा एक मैगजीन होती थी, जन मैनकाइंड, जनता और इलस्ट्रेटेड वीकली उस जमाने में बहुत मशहूर हुआ करती थी। तो लिखने पढ़ने का शौक बचपन से ही शुरू हो गया और यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते मैं ये लगने लगा मुझे कि शायद यही मेरा फर्स्ट लव है, पैशन है और इसी को मैं प्रोफेशन बनाऊंगा। तो 1980 से वैसे मैंने लिखना शुरू किया जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाकायदगी के साथ जर्नलिज्म की शुरुआत 1985 में हुई। और पहले मैं फ्रीलांसर रहा साल भर और उसके बाद जिसमें आप होते थे, आनंद बाजार पत्रिका का समूह रविवार, उसमें 1985-86 से अपने इस पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की जो आज लगभग 35 बरस हो गए। इस 35 बरस में करीब 20 बरस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के लिए काम किया, जिनमें 12 साल से कुछ ज्यादा बीबीसी, 4 साल राज्यसभा टीवी और 4 साल दूरदर्शन न्यूज शामिल है। तो ये मुख्तसर सा मेरा सफर है पत्रकारिता का। तो कुर्बान, आपने ये जो सफ़र तय किया जिसमें बीबीसी भी थी, रविवार भी था, टेलीविज़न भी था, इन सब में जो दृष्टि आपने रखी रिपोर्टिंग के लिए, जिसको केंद्र बनाया, वो ज़्यादातर तो गरीब और पिछड़े हुए तबके के लोग थे। पिछड़े मतलब जो वॉइसलेस थे, जिनके ऊपर जुल्म होता है। जी ये नज़रिया, ये तो समझ में आया कि परिवार से मिला और कैप्टन साहब की वजह से आपकी एक दूसरी दृष्टि, क्योंकि परिवार में लोग ही ऐसे आते थे जो गरीब के लिए ही लड़ाई लड़ने की बात करते थे, पर फिर भी प्रलोभन तो आते हैं ना कि इनके बारे में भी लिखो, इनके बारे में भी लिखो, वो बहुत सुंदर हैं, वो बहुत ग्लैमरस हैं, वो बहुत राजनीति में बड़े हैं, इनके बारे में लिख देंगे तो हमें कुछ अतिरिक्त मदद मिल जाएगी। ये सारी चीजें तो होती थी ना, क्योंकि आप का परिवार या खासकर आपके जैसे पत्रकारों का परिवार कोई बहुत पैसे वालों का परिवार तो हुआ नहीं करता था। जी ये प्रलोभन आपके सामने नहीं आया? जी आया, लेकिन आप जानते हैं कि जब आपकी ट्रेनिंग और आपकी तरबियत, जिसको मैं कहूँ बुनियादी तौर पे, मजबूत होती है, तब मुझे लगता है कि शायद आप इन सारी चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। अब घर में जब हर वक्त ये बताया गया कि साहब अमीर और गरीब में अगर झगड़ा हो तो गरीब का साथ दो, जालिम और मजलूम में झगड़ा हो तो मजलूम का साथ दो, औरत और मर्द में झगड़ा हो तो औरत का साथ दो, हर वक्त ये बताया जा रहा है कि जो दबे कुचले लोग हैं समाज के उनके साथ खड़े हो, और उस तरबियत के साथ आपकी स्कूलिंग होती है। और यहाँ मैं ये भी जिक्र करता चलूं कि जब स्कूल का ही दौर चल रहा था तो जेपी मूवमेंट शुरू हो गया, और उस जेपी मूवमेंट में आप जानते हैं कि एक नई तरह की आइडियोलॉजी यूथ के लिए खास करके, और उनको लगता था कि जयप्रकाश उनके लिए टॉर्च बियरर हैं और वो जी जो संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के आ रहे हैं उससे सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और एक नए तरह का देश बनेगा। तो उस दौर में मेरी तरबियत हो रही थी, और उसके बाद जब मैं अलीगढ़ आया और मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया, यहाँ मैं एक जिक्र करता चलूँ कि मेरे लिए इस मामले में एक टर्निंग पॉइंट कुलदीप नैयर साहब का 1978 में लिखा हुआ खत था जिसने मुझे पत्रकार बनाया। वो उस वक्त जी एक्सप्रेस न्यूज सर्विस के चीफ थे और पाकिस्तान होकर के आए थे, और वहाँ मैं उस तरह से मेच्योर नहीं हो पाया था। जो रिश्तेदार आ रहे थे वो कहते थे कि जिया का दौर बहुत अच्छा है और भुट्टो बहुत खराब था, और कुलदीप साहब की रिपोर्ट कह रही थी के भुट्टो ने के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उसे जेल में डाल दिया गया, और ये जो फौजी हुकूमत आई है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। तो मैंने उनसे बचपन में लड़कपन के साथ आर्ग्यूमेंट किया और उनको एक चिट्ठी भेज दी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो जवाब देंगे, लेकिन कुलदीप साहब ने मैं आज जवाब वो दिया। नहीं है मैं वो जवाब दिया, और उसमें लिखा कि भाई मैंने तो जो देखा वो लिखा, हो सकता है तुम सही हो लेकिन मैं तो फौज की हिमायत नहीं कर सकता, मैं तो लोकतंत्र में यकीन रखने वाला आदमी हूँ और इसलिए मैंने लिखा, और कभी दिल्ली आओ तो मिलो। तो वो एक ऐसा मेरे लिए इग्नाइट था
कि जिसने एक चमक पैदा कर दी, और मुझे ये लगा अपने बारे में, एक यकीन पैदा हुआ कि तुम भी कुछ लिख सकते हो, ये तुमने लड़कपन में तो लिख दिया था। लेकिन कुलदीप साहब ने जवाब दिया, इतने बड़े पत्रकार, और इमरजेंसी के दौर में उनकी हमने देखा था कि वो जेल भी गए, किताबें भी उन्होंने लिखी, कॉलम आता था बिटवीन द लाइन, वो आपको सराह रहा है या आपको कह रहा है, तो बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद जो मेरे पत्रकारिता में गुरु थे उदयन शर्मा, और उन्होंने जिस तरह की ट्रेनिंग दी, बदकिस्मती से जब हमने रविवार ज्वाइन किया तो अयोध्या आंदोलन अपने शबाब पर था, दंगे हो रहे थे, और दंगों के मामले में उदयन शर्मा की रिपोर्ट में दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में और किसी की किसी नहीं है। पत्रकार ने ऐसी बिल्कुल रिपोर्टिंग नहीं। और बिल्कुल उसमें उनका सबसे बड़ी बात जो मैंने गांठ की तरह से बांधी वो ये थी कि निष्पक्ष पत्रकारिता कुछ नहीं होती है, आपको स्टैंड लेना होता है, जो जालिम है उसके साथ खड़े हैं आप या मजलूम के साथ खड़े हुए हैं, ये आपकी पत्रकारिता में दिखना चाहिए। तो निष्पक्षता का तो लबादा कभी मैंने ओढ़ा ही नहीं फिर उसके बाद से। और उनके साथ जाकर के जो मेरठ के 1987 के दंगे हुए, जो 3 महीने तक चले, जिसमें हाशिमपुरा और मलियाना जैसे कांड हुए, मलयमपुरा और उनकी जब रिपोर्टिंग की तो लगा कि हम इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और प्रलोभन की जो बात है, उसी रविवार पत्रकार में कुछ दूसरे और साथी भी थे जो उन सारी चीजों से बहुत इंप्रेस थे, और उन्होंने उसी को अपनी सीढ़ी बनाया, और आज कहाँ है वो आप जानते हैं, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो था सामने। लेकिन हमें तय करना था, एक तो हमेशा बाप का डर रहता था, वो जिंदा थे और बात और पढ़ते भी थे मेरी रिपोर्ट है, और उस पे आलोचना भी करते थे, कहते ये तुमने सही नहीं लिखा, ये गलत लिखा, ये किया। और भी जो साथी थे हमारे सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ, वो तमाम लोग वो इतनी बेबाक राय रखते थे कि जरा सी भी आपने। और मैं यहाँ आपको एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि जी एक जब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो हटे, जी और उसी उस पर मैंने एक कवर स्टोरी की रविवार में, और उससे कुछ ऐसा आभास गया जो मुझे जानबूझ के मैंने नहीं किया था, कि मैंने शायद उनको कुछ ग्लोरीफाई कर दिया है। और ओके उसमें मैंने लिखा कि वो बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हैं, शायद संपूर्णानंद के बाद। तो मैं दिल्ली आया, और सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ कभी मैंने काम नहीं किया था, वो उस वक्त भारत टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, उनसे मैं मिलने गया, तो सुरेंद्र जी ने एक जुमला कहा जो तीर की तरह लगा कि और क्या हो रहा है कुर्बान, वीर बहादुर की तुलना गोविंद वल्लभ पंत और संपूर्णानंद से करने के अलावा। अब ये एक ऐसा तीर था कि जिसकी तकलीफ मैं आज तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, और वो मतलब इतना सटीक था कि मैं ये नहीं कह सकता कि एसपी सिंह ने कोई हवा में कर दिया था। लेकिन वो कई बार आपसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, और मैं तो दूसरी मुझे एक ट्रेनिंग बीबीसी में जाने के बाद ये मिली कि कभी भी ये मत समझो कि आप जो कह रहे हो वो अंतिम वाक्य है, और आलोचना जितनी तुम्हारी होगी उतना तुम्हारी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, उतनी तुम्हारी लेखनी निखर के आएगी। अगर तुम आलोचना से डर गए या आलोचना को बुरा मानने लगे तो समझ लो कि वो तुम्हारा अंत है। और ये बात जब बीबीसी में काम करना शुरू किया तो मार्क टली, जो जिनको हमने आंखें खोली उस वक्त से सुनते आ रहे थे, बांग्लादेश का युद्ध हो या इमरजेंसी हो या बिल्कुल उसके बाद की बिल्कुल घटनाएं, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एक रिपोर्ट मुझे दिखाई उत्तर प्रदेश के बारे में, और कहा कि जरा देखो इसमें कोई कमी तो नहीं है। अब मेरी तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई, मार्क टली मुझसे कह रहा है नौसिखिया लड़के से कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा और मैंने डरते हुए कहा कि शायद ये दो चीजें सही नहीं है। तो उसने 3 बार मुझे थैंक्स बोला और कहा कि तुमने मुझे बचा लिया। और ये एक दूसरी तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस था कि भाई अगर आपको आपका बेटा भी आपकी कमी गिना रहा है तो उसके लिए आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि आप उसे डांटें। बिल्कुल बिल्कुल कुर्बान, इसके पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपके समकक्ष जो पत्रकार थे बीबीसी से लेकर के रविवार तक या उसके बाद जो टीवी जर्नलिज्म है उसमें भी, उनमें से किन किन को आप ज़्यादा रिलेवेंट मानते हैं, उसके पहले मैं आपसे श्री उदयन शर्मा जी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग आजकल ऐसे पत्रकारों को याद नहीं करते हैं। और उदयन शर्मा बहुत बड़े रिपोर्टर थे, उन्होंने जो रिपोर्ट की वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ये कहते थे, और उस समय रविवार और संडे का ये मोटो भी था कि हम रिपोर्ट के साथ खड़े होते हैं, और अगर रिपोर्ट का खंडन आता है तो हम उसके ऊपर फॉलो अप स्टोरी करते हैं,
और ये पूरे रविवार और संडे का कल्चर था, आनंद बाजार का कल्चर था पूरे आनंद बाजार, क्योंकि टेलीग्राफ निकला उसने भी उसी कल्चर को अपनाया। रिपोर्ट सही के साथ अगर रिपोर्टर खड़ा नहीं होता है तो वो रिपोर्ट पाठक को कैसे पसंद आएगी, अगर रिपोर्टर ही उसके साथ खड़ा नहीं है। तो मैं उदय शर्मा के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, संक्षेप बताएं, उसके बाद फिर उन साथियों के या उन पत्रकार साथियों के बारे में बताएं जिन जिन्होंने आपको प्रभावित किया, आपके दौर के, कुलदीप नैयर साहब नहीं, जी। आपके दौर नहीं, आपने उदयन शर्मा जी की बात की, मैं उन्हीं से बात शुरू करता हूँ कि उदयन जी को मैं जानता था क्योंकि वो दिल्ली में जो सर्किल था वो हम लोगों का कॉमन था, खास करके जो जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो चंद्रशेखर जी का घर हो, सुरेंद्र मोहन जी हो, सुधीन भदौरिया और बाकी लोग हो, तो वो मिलना जुलना था। लेकिन जब 1985 में मैंने तय किया और वो रविवार के संपादक बने कि अब मुझे फुल टाइम पत्रकारिता करनी है, यही अपना प्रोफेशन अपनाना है, तो मेरे एक बार कहने पर और मुझे मेरे दोस्त रामजीलाल सुमन ने उनसे इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब इस नज़रिए से कि ये पत्रकारिता करना चाहता है आपके साथ रविवार में, तो एक सेकंड उनको नहीं लगा और उन्होंने उसी वक्त पीटीआई बिल्डिंग में बैठे हुए थे वो, और अपने हाथ से वो कागज लेकर मेरे पास रखा हुआ है, उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश में रविवार का संवाददाता नियुक्त कर दिया और कहा कि अगले हफ्ते तुम आ जाओ कलकत्ते और समझ लो कि किस तरह से काम होता है रविवार का, और उसके बाद तुम वहाँ लखनऊ पहुंच करके काम शुरू कर दो। तो ये कि भाई एक सेकंड भी नहीं लगाया उन्होंने, और बिना सोचे समझे कि मेरे अंदर वो सलाहियत है कि नहीं है, मैं वो काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने कर दिया। हाँ, और जबकि कोई मुझे ज्यादा तजर्बा नहीं था उस वक्त तक, फ्रीलांसिंग करता था, छोटे मोटे जनसत्ता में कहीं कोई रिपोर्ट छप गई, रविवार में तो नहीं छपी थी, लेकिन जो और पत्रिकाएं थी उसमें, और खास करके जनता जो बॉम्बे से निकलता है जिसके संपादक जी जी पारेख हैं, उसमें छपती रहती थी। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये कि जो आते ही उन्होंने सबसे पहले बात कही कि एक तो यही कि आपको स्टैंड लेना है जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, और आखिरी वक्त तक आपको उस पर कायम रहना है कि जो आपने लिखा है, माफी मांगने का कोई सवाल नहीं। दूसरी चीज ये कि कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें डीएम और एसएसपी से लड़ना भी है और मारपीट की भी नौबत आ जाए तो उसमें भी मत झिझकना। हालांकि ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन पंडित जी के अपना कहने का एक तरीका था, वो इस तरीका था बातों को बिल्कुल। कहते जी, वो कहते मतलब कि बांस कर दो, एक ऐसा जुमला उनका रिपोर्ट के बारे में किसी के बारे में कहते थे। और दूसरी चीज ये कि उनकी भी ट्रेनिंग उस सोशलिस्ट मूवमेंट एसवाईएस से हुई थी, तो जो मेरे बिल्कुल लिए कॉमन था कि भाई उसमें बिल्कुल गरीब की बात करनी है, पिछड़े की बात करनी है, दलित की बात करनी है, आदिवासी की बात करनी है, माइनॉरिटीज की बात करनी है, और जो संविधान के दायरे के तहत चीजें हैं उनके लिए उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो गजब की, एक तो उदयन शर्मा बेसिकली रिपोर्टर थे, आखिरी वक्त तक वो संपादक जरूर बन गए, लेकिन उनके अंदर का रिपोर्टर वो कभी भी, यानी ये जो 3 महीने मेरठ के दंगे हुए अप्रैल से लेकर के जून तक 1987 में, तो कोई हफ्ता नहीं, हालांकि उनके बच्चों की छुट्टियां थी और उनकी बीवी बच्चे कलकत्ता गए हुए थे, मगर वो हर वीकेंड पे आ जाते थे और कहते थे चलो मेरठ, और हम लोगों ने मिल करके 3-4 कवर स्टोरियां की, जो आज भी मैं समझता हूँ कि वो एक हमारी बहुत बड़ी धरोहर। बिल्कुल इसके अलावा बिल्कुल 1978 से मैं उन्हें देख रहा हूँ, चाहे वो अलीगढ़ का दंगा हो, संभल हो, बनारस हो, जमशेदपुर हो, और उसकी अलग से हमने एक कंपाइलेशन भी पब्लिश किया दहशत के नाम से, और उनके ना रहने के बाद में 3-4 और किताबें, तो वो सारी उनकी रिपोर्टिंग का उत्कृष्ट नमूना है कि कैसे वो चंबल के बागियों के साथ, डाकुओं के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दंगों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके अलावा जो मुल्क भर में सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो भील आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैमूर के आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और गजब की चीज ये कि उसी समान अधिकार के साथ वो फिल्मों पे भी लिख रहे हैं, वो क्रिकेट पे भी लिख रहे हैं, और लग रहा है कि एक कंप्लीट जर्नलिस्ट जिसको हम कह सकते हैं,
जो सलाहियत मैं मेरे अंदर पैदा नहीं हो सकी कि मैं फिल्म पे और स्पोर्ट्स पे भी उसी अधिकार के साथ लिख सकूं, वो खूबी उदयन शर्मा में थी। और उन्होंने एक बिल्कुल एक पूरी नर्सरी तैयार की, 40-50 नाम ले सकता हूं कि जो उनके बनाए हुए पत्रकार आज भी हैं। ये बहुत बड़ा गुण था पंडित जी का। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पंडित जी जब ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं रिपोर्टर उदयन शर्मा की बात कर रहा हूं, जी और वो घनघोर दंगों में जो दंगे कराने वाली ताकतें होती हैं उनके खिलाफ वो हमेशा खुल के लिखते थे। वो उस हफ्ते बहुत उदास हो जाते थे जिस दिन 5 जने में उनके ऊपर कोई गाली वाला लेखा आइटम नहीं छपता था। वो ये कहते थे कि 5 जने में मुझे गाली देने का आइटम अगर छपता है, इसका मतलब मेरी पत्रकारिता सफल है। और जी वो ध्यान से 5 जने पढ़ते थे, और जिस हफ्ते, हर हफ्ते तो नहीं लेकिन महीने में 2 बार तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ छप ही जाता था, तो वो अद्भुत प्रसन्नता उनके चेहरे पे झलकती थी। यस, मेरी रिपोर्ट सही है, इसका मतलब है जी। तो आप बाकी और किन लोगों के कुछ अनुभव आपको याद हो, बीबीसी के या बाकी पत्रकार, उन लोगों के नहीं कह रहा हूँ जो जी उस विधा से अलग छिटक करके कहीं और चले गए, जिनका आपने जिक्र किया। पंडित जी भी उन लोगों से काफी परेशान रहते थे। बहरहाल, अगर जी कोई और नाम हो तो जिनका आपने, जिन्होंने असर डाला हो। संतोष जी, नाम तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि जो मैं सोचता हूं पत्रकारिता के बारे में, कि बहुत सारे लोग हैं पिछले 3-4 दशक में, हजारों की तादाद में पत्रकार पैदा हुए हैं, बड़े नामचीन भी बने हैं, लेकिन सवाल ये है कि पत्रकारिता का मकसद क्या है, पत्रकारिता का धर्म क्या है, और क्या हम ये उन जो उसके घोषित उद्देश्य हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, या अपने जाति मफाद के लिए, अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं, या कोई और शोहरत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। मुझे जो जर्नलिज्म के बारे में बुनियादी समझ है, हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन वो यही है कि एक दौर था नेशनल मूवमेंट में कि जब गांधी से लेके हर आदमी, जो जो भी बड़ा फ्रीडम मूवमेंट का सिपाही था, चाहे वो मौलाना आजाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या इवन अम्बेडकर हो, सबने अखबार निकाले, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, अनगिनत नाम लिए जा सकते हैं, ज्यादातर लोग यानी 80-90% जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स हैं, वो किसी ना किसी रूप में किसी अखबार, पत्रकार, मैगजीन से जुड़े थे या लेख लिखते थे, और उसका बिल्कुल मकसद था मुल्क को आजाद कराना। बिल्कुल 1857 से लेके 1947 तक, 90 साल के इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में जो लड़ाई लड़ी गई वो मुल्क को आजाद कराने की। अब जब मुल्क आजाद हो गया, उसके बाद जो पीढ़ी आई तो वो भाई देश के नवनिर्माण की, कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, वो नई पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आए, कुछ और सारी चीजें लेकर के आए, कुछ नीतियों को लेकर के आपका उनसे मतभेद हो सकता मतभेद है, हो आप सकता है। आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आज हम 70 साल बाद अपनी आजादी के जब एक आकलन करते हैं, तो लगता है कि शायद जवाहरलाल जी ने जो फॉर्मूला अपनाया था, जो नीतियां अपनाई थी, जो संविधान बनाया था, अब वही बेहतर बेहतरीन दस्तावेज है, और उसी के चलते देश आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा केवल वर्मा का, जो मेरे लिए गुरु समान थे, और जब भी मैं आता था उत्तर प्रदेश से तो वो मुझसे बात करते थे, और कुर्बान क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब जाहिर है उस वक्त तो वहां अयोध्या मूवमेंट चल रहा था, राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद कमेटियां बन रही थी, तो मैंने कहा था वही मंदिर मस्जिद का। तो केवल जी ने एक दिन बहुत दुखी होकर INS के सामने चाय की दुकान पर कहा कि तुम बड़े बदकिस्मत हो। तो मैं थोड़ा शक पकाया कि केवल जी किस मायने में। बोले, हम जब आए थे पत्रकारिता में, यानी अर्ली 50s में, तो भारत के नव निर्माण के नए नए मंदिर बन रहे थे, भाखड़ा नागल डैम, भिलाई इस्पात कारखाना, बोकारो, राउरकेला, पंचवर्षीय योजनाएं हो रही थी, कहीं शिलान्यास हो रहा है, कहीं उद्घाटन हो रहा है, हम उसको रिपोर्ट करते थे, और तुम्हारी किस्मत में ये मंदिर मस्जिद आया है। बात बड़ी गहरी थी केवल जी बहुत की, गहरा, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही थी। आज जब मैं मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि वो तो पत्रकारिता देश आजाद होने के बाद उसका क्या मतलब है। दो चीजें हैं कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म, जिसके बारे में मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी इस देश की 100% पत्रकारिता में जो 90% डेवलपमेंट जर्नलिज्म होना चाहिए, वो 10% भी दिखाई नहीं देता। और बिल्कुल उसकी मैं दूसरी मिसाल आपको दूंगा कि सन 2000 में जब बीबीसी की तरफ से मैं
यूनाइटेड नेशंस की जो मिलेनियम समिट थी, सहस्राब्दी सम्मेलन, और जिसमें 15 साल के गोल रखे गए थे जो जो अब रिव्यू किए जा रहे हैं, जिनका जो 15 साल 2015 में पूरे हो चुके हैं, उसके लिए लगभग 150 देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुख न्यूयॉर्क में थे। हर गली मोहल्ले में 2-4 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रुके हुए थे, और हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी आए थे, और उनके साथ पाकिस्तान से लगभग 50 पत्रकार और भारत से वाजपेयी जी के साथ लगभग 100 पत्रकार। क्या और क्या उस मिलेनियम समिट को कवर करने के लिए तो मैं देखता था कि न्यूयॉर्क के अखबार और टेलीविजन में कहीं ये खबर नहीं थी कि ये इतने सारे लोग आए हुए हैं, और भारत का या पाकिस्तान का या किसी और देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का तो सवाल ही नहीं नाम आने का फ्रंट पेज पर। और वहां बात ये हो रही थी कि हमारी समस्याएं क्या हैं, यानी अमेरिका की, वहां के प्राइम टाइम पे डिस्कशन हो रहा था कि भाई सोशल सिक्योरिटी का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, हेल्थ सर्विसेज का क्या हाल है, और ये हमारी समस्याएं हैं, इनके बारे में वहां डिस्कशन हो रहा था। यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम समिट के बारे में सिर्फ 2 खबरें वहां बनी उस समय। एक तो मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम गए हुए थे, वो रो रो करके और चीख चीख करके वहां कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र सभा की जनरल असेंबली में कि भाई 20-25 साल बाद मेरा देश जो है वो मिट जाएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी ऊपर आ जाएगा, उसको बचाने के लिए कुछ करो। और दूसरी चीज ये थी कि फिडेल कास्ट्रो पहली बार अमेरिका की धरती पर उन्होंने कदम रखा था, वो आए थे, वो एक खबर बनी थी। लेकिन सारी बहस ये हो रही थी कि भाई ये एड्स से कैसे लड़ा जाए, गरीबी से कैसे लड़ा जाए, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए, पर्यावरण से कैसे लड़ा जाए। ये जो सारे मुद्दे हैं आज जो मैं कह रहा हूं, और इसे आज सुनने वाला पत्रकार जो आज के टीवी चैनल में बैठा हुआ है, न्यूज रूम में बैठा हुआ है या अखबार में बैठा हुआ है, शायद कहेगा कि ये कोई सनकी बात कर रहा है इस तरह की। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बुनियादी सवाल हैं, अगर हमने इन पर बात नहीं की, इन पर रिपोर्टिंग नहीं हुई। अब इसके लिए आप 2-4 अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू फ्रंट लाइन जैसी मैगजीन, जहां पे आपको इन सारी चीजों के बारे में कुछ चीज, बाकी आप बिल्कुल जो जो हिंदी मीडिया है या जो हमारा और मीडिया है रीजनल, उसमें ये जिक्र ही नहीं। यहाँ हम यही बात कर रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री ने किस रंग के कपड़े पहने हैं और किस रंग की साड़ी पहनी है सोनिया गांधी ने, और मायावती क्या कर रही हैं, और मुलायम सिंह क्या कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव क्या खाते हैं, ये पत्रकारिता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और अभी हाल के दिनों में जिस तरह से वो खुदकुशी के मामले को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत को, ऐसा लगा कि हम क्या पागल हो गए हैं, या हम ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को जर्नलिस्ट कहने के हकदार भी हैं, ये देख करके बहुत तकलीफ। तो कुर्बान हो तो यही रहा है कि इस समय फोकल पॉइंट सारे टेलीविज़न चैनल्स का या ज़्यादातर अखबारों का फिल्मी दुनिया ही है, और शायद कोशिश ये है कि इन सवालों के ऊपर वो अर्थव्यवस्था हो, वो गरीबी हो, वो बेकारी हो, वो भुखमरी हो, क्योंकि ये देश भुखमरी के दरवाजे पे भी खड़ा है, जी जहां 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त में राशन देना पड़े, और वहाँ ये बहस हो कि हमको राशन की खरीद नहीं करनी चाहिए, और जिस तरीके से ये जमीन वाला बिल आया है कि किसान की जमीन कॉरपोरेट के पास चली जाएगी, तो साल भर बीतते बीतते आपको भुखमरी का दौर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है कुर्बान। बिल्कुल इसके ऊपर सही कह, बात ही ना हो और पूरा टेलीविजन फिल्मी दुनिया में नशे को लेकर के बहस करे, जो कि एक फिल्मी मैगजीन का काम हो सकता है, जो पहले वो ही करती थी, लेकिन वो अब नेशनल मीडिया करके सारे देश के लोगों का ध्यान उधर रखे हुए हैं। ये जो शिफ्ट हुआ है पत्रकारिता में, क्योंकि आपने भी टेलीविजन में संपादक की जिम्मेदारी संभाली है, आपको कितना दर्द होता है, या जिन पत्रकारों से आप मिलते हैं उनमें कुछ ऐसे आपको मिलते हैं जिनको तकलीफ होती है इस स्थिति को देख के, या नहीं होती है? देखिए तकलीफ तो होती है, ज्यादातर लोगों को होती है जो समझदार लोग हैं, और कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, कि कोई समझदार आदमी इस जी बात को अप्रिशिएट करेगा। जो आपने कहा ये जर्नलिज्म हमेशा होता रहा है, होता रहेगा, वेस्ट में भी होता है, लंदन में भी एक येलो जर्नलिज्म है, टेबलॉइड्स हैं, उनका काम ही यही है कि इस तरह की शगुफेबाजी करना, उसका, और उसको लोग पढ़ते हैं, और
और उस तरह का टेलीविजन भी है, वो भी देखा जाता है। लेकिन जब हम एक सीरियस मीडिया की बात करें, जब हम एक मेनस्ट्रीम मीडिया की बात करें, तो उसमें से ये बुनियादी सवाल कैसे गायब हो जाते हैं। और यहाँ मैं संतोष जी बहुत तकलीफ के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त हमारा राजनीतिक कल्चर चल रहा है और पिछले 6 साल से जो जो सत्ताधारी लोग हैं, वहां आने के बाद ये एक बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स को और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अभी आपने देखा कि जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ, किस बेशर्मी के साथ निजामुद्दीन की तबलीगी जमात को निशाना बना करके पूरी मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश की गई, बिल्कुल और बिल्कुल उसमें सरकार शामिल थी। यानी उस सरकार का NSA रात को 2 बजे जिस मौलवी साध को से मिलने जाता है वहीं निजामुद्दीन में, और जिसके ऊपर मुकदमे कायम किए गए, उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे पेंट कर दिया गया कि ये कोरोना जो है वुहान की पैदावार नहीं है, ये तो मुसलमानों ने मरकज है। निजामुद्दीन में मरकज बिल्कुल में पैदा बिल्कुल किया। और अब उसके बिल्कुल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है और कई टिप्पणियां आई हैं, और कई हाई कोर्ट्स की, औरंगाबाद हाई कोर्ट की, मद्रास हाई कोर्ट की, बेंगलोर हाई कोर्ट की। लेकिन हमारा मीडिया इतना बेशर्म हो चुका है क्योंकि उसको उस मेजोरिटेरियन एजेंडे को आगे चलाना है। और शुरुआत में जब ये कोरोना और ये तबलीग का मामला आया और 2-4 TV चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया, तो कहा कि साहब सरकार पर सवाल ना कीजिए। मैंने कहा ये आप नया ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार से सवाल ना किया जाए। लोकतंत्र में अगर हम सरकार से सवाल ना करें तो फिर तो जिया का दौर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान वाला जो हुआ था अब वो होना चाहिए, या जो फौजी हुकूमत है, ये कहाँ का तर्क है। और इस बेशर्मी के साथ हमने प्रधानमंत्री के उस कुकृत्य को दिखाया कि ताली पीटो, थाली पीटो और दिए जलाओ और इससे कोरोना भागेगा। और उसके मिनिस्टर्स जिस तरह के बेहूदे बयान देते थे और जो गाने गाते थे कि इससे कोरोना जाएगा, उसको हमारा मीडिया दिखा रहा है घंटों, 24 घंटे। तो ये तो बैंकरप्सी की इंतहा है और इससे ये देश मजबूत नहीं हो सकता। अगर आपने तय कर लिया है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो कि सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा है और जिसने शुरू कर दिया, और उसको सवाल ना किया जाए और उससे सवाल करने वाले को देशद्रोही किया जाए। अब एक बड़ा मजाक ये बन गया है कि अगर आप सरकार के साथ नहीं है तो आप देशद्रोही। ये तो बात डेमोक्रेसी की कुर्बान बेसिक के कुर्बान जी, खिलाफ। कुर्बान, एक पत्रकार के नाते मैं ये कहता हूँ, आप हिंदू राष्ट्र भी बनाओ, लेकिन अगर हिंदू बहुसंख्यक हैं इस देश में, 100 करोड़ अगर हैं, उन 100 करोड़ हिंदुओं के लिए तो आपको रोजी रोटी दवाई शिक्षा इसकी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन कहाँ है उन सही 100 करोड़ के 70% लोग आपके विकास के मॉडल से बाहर हैं और आपकी अर्थव्यवस्था के घेरे से बाहर हैं। सिर्फ 30% हैं जिसमें 6-7% मिडिल क्लास मिला करके या अपर मिडिल क्लास मिला के हैं, और उसके बाद बाकी सब वही हैं जिनके जिनके हाथ में अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सारी संपत्ति होनी चाहिए, रेलवे होनी चाहिए, जिनके हाथ में उद्योग होने चाहिए, जिनके हाथ में हवाई जहाज होने चाहिए, जिनके हाथ में जो भी हमारे यहाँ के पेट्रोलियम कंपनियां होनी चाहिए, वही तो हो रहा है, तो सब उनके लिए है। ये जो 70% सो कॉल्ड हिंदू है जिसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उसकी जिंदगी में खुशहाली कहाँ है, ये एक सवाल है। पर मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि वक्त भाग रहा है और आपसे काफी और बातें करनी है, वो ये कि ये जो पत्रकारिता में आपने नई तरह के पत्रकारों को देखा या जी नई तरह के एंकर्स को देखा, जब टेलीविजन पर बैठते हैं और जो सरकारी पक्ष के तर्क देने वाले उनके प्रवक्ता आते हैं, वो जहां कमजोर पड़ते हैं वहां उनको फौरन वो अपने ज्ञान से और ज्यादा संपन्न करते हैं, यानी जी उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे है कि उस सरकार के खिलाफ आप बात कर रहे हैं जिसको इस देश के लोगों ने चुना है, इतने बड़े बहुमत से चुना है। तो ये जो पत्रकारों की नई श्रेणी आई है, जिन्हें पत्रकारिता का कोई ज्ञान नहीं है, जो एंकर हैं, और मेरा अपना तो ये मानना है, मैं खुल के कहता हूं कि हमारे यहाँ के जितने टेलीविजन एंकर हैं, इसमें 90% चीन से या पाकिस्तान का एजेंडा हमारे देश में चला रहे हैं, ये उनसे पैसे लेते हैं दिस जी वे और दैट वे, क्योंकि इसीलिए वो उनकी तारीफ करते हैं, उनकी ताकत हमारे देश के लोगों को बताते हैं, जबकि दोनों देशों की हकीकत में कोई ताकत है नहीं। पर ये टेलीविजन चैनल पाकिस्तान को और चीन को हमारे सामने एक पहाड़ जैसा खड़ा करते हैं
जिस तरीके से रखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इनके बिना आर्थिक हित हुए ये कर नहीं सकते। सरकार तो नहीं चाहेगी ऐसा हो, पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या आपका कमेंट है? ये जो नहीं नए बिल्कुल, पत्रकार, एंकर पत्रकार के रूप में आए हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और यहाँ मैं सुरेंद्र प्रताप जी का जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने एक हिंदी मीडियम में जो टेलीविजन जर्नलिज्म है वो उसकी शुरुआत की है। शुरू में आधे घंटे का प्रोग्राम था ये आज तक, और अब एक पूरा बड़ा चैनल उन्होंने खड़ा किया। और उनके सामने कंसर्न थे क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आए थे जो उन्होंने धर्मयुग और रविवार में रहते हुए जो उनकी ट्रेनिंग थी या जो उन्होंने ट्रेनिंग की थी जर्नलिस्ट की, और जिनके लिए यही सारे सवाल थे, गरीब का, अर्थव्यवस्था का, पर्यावरण का और दलित पिछड़े का। वो जब माफ कीजिएगा, एक फोन मिला, तो उसमें उन्होंने जो शुरुआत की वो कुछ हद तक, कुछ समय तक चला, जब तक वो जिंदा रहे कह सकते हैं कि तब तक। लेकिन उसके बाद से ये सीधा मामला टीआरपी की रेस से जुड़ गया कि भाई अगर आपको बड़ी सैलरी चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए, तो आपको ये टीआरपी का गेम चलाना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि इसके पीछे 2014 में जो नई सरकार बनी उसके पीछे जो कॉरपोरेट का हाथ था, आज आप क्या कहेंगे कि कितना मीडिया जो है, हम और आप यहाँ खुल करके बात कर रहे हैं, लेकिन किसी सो कॉल्ड चैनल पर ये बात हो सकती है कि आज की तारीख में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ एजेंडा ही दूसरा आ गया, लोग ही दूसरे आ गए। एक अच्छी पीढ़ी भी तैयार हुई थी पत्रकारिता में शुरुआती दिनों में, जब सैटेलाइट टेलीविजन आया 1992 में, पहले बार जी आया और फिर उसके बाद एनडीटीवी और दूसरे चैनल शुरू हुए, तो बहुत अच्छे लोग आए। और खास करके प्रणय रॉय का जो है एक पाइनियर काम है एक अच्छा चैनल बनाने में, और उससे जो लोग निकले। लेकिन फिर जब मकसद वही हो जाए कि बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैकेज, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिश को विफल कर दी जाती, क्योंकि ट्रेंड तो ये हो गया जो अभी आपने कहा कि अगर किसी टीवी बहस में बीजेपी या आरएसएस का प्रवक्ता नहीं है तब भी एंकर बखूबी उसका काम अंजाम देता है और उसकी जरूरत महसूस नहीं होने देता, और अगर है तो क्या कहने, सोने पे सुहागा, फिर तो एक और एक 11 हो जाते हैं और बाकी सब लोगों की जबान खींच ली जाती है, मुंह नोच लिया जाता है और उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया जाता। ये चेंजेस आए हैं और ये बहुत ही खतरनाक है अगर वक्त रहते हुए जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है। अब होता क्या, जैसे हमने आप जैसे लोगों को, आपको, उदयन शर्मा, एम जी अकबर से इंस्पिरेशन हासिल करके जर्नलिज्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, पता नहीं कैसा किया, लेकिन कुछ किया, और दिल को और दिमाग को ये संतोष रहा कि हमने कुछ किया। और उस दौर में, इस पिछले 35 से 40 सालों में, जैसा आपने कहा बार बार, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन अब आज की तारीख में मेरे सामने सर्वाइवल का संकट है। मुझे अगर दिल्ली में रहना है और अपना घर चलाना है तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और वो कॉम्प्रोमाइजेस इसी तरह के हैं जो जर्नलिज्म, अब तो हालत ये हो रही है, मुझे ज्यादातर लोग ये मिल रहे हैं संतोष जी, वो कह रहे हैं हमने टीवी छोड़ देखना बंद कर दिया है क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होती है, और ये कोई मतलब की बहस नहीं है, और सबको अंजाम मालूम है कि ये बहस कहाँ जाएगी और इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा शुरू होने से पहले। क्योंकि आज की तारीख में जब सुबह 11 बजे किसी भी न्यूज रूम में बैठक होती है कि आज का एजेंडा क्या है, तो उसमें 2-3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, आज किसे ठोकना है, किसको बजाना है। जब आप ये तय कर लेते हो सुबह 11 बजे कि रात को 9 बजे आपको, आपकी ये लाइन्स है, रिपोर्टर्स कहते हैं साहब हमें तो ये कहा गया है, अगर हम इससे, इसके अलावा, और सबसे खतरनाक बात ये कि टीवी रिपोर्टर और एंकर भी वो अखबार नहीं पढ़ता। मेरा नहीं पढ़ता दावा है कि ज्यादातर बिल्कुल। टीवी में काम करने वाले लोग अखबार नहीं पढ़ते, उनकी जानकारी व्हाट्सएप और बहुत हुआ तो गूगल तक सीमित रह गई है, कभी क्रॉस चेक नहीं करना, बुनियादी जो चीजें, पढ़ने लिखने का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया। लोग कई पूछते भाई इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या हो गया था ऐसा, ये आज के पत्रकार। तो मैंने कहा भाई तुम आजादी की लड़ाई की के बारे में क्या जानोगे अगर तुम्हें इमरजेंसी के बारे में मालूम नहीं, तुम्हें जेपी मूवमेंट के बारे में मालूम नहीं, तुम्हें अन्ना आंदोलन के बारे में मालूम नहीं जो हाल ही की चीज है, और आप सवाल करने लगते। कुर्बान अली, आपसे एक ये जानना है, क्योंकि इससे अलग जी ये सारी वो चीज़ें हैं जो उन्हीं को परेशान करती हैं जो संवेदनशील होते हैं।
जो संवेदनशील नहीं होते हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल देश को इसी तरीके से मानते हैं कि कोई भी राजा हो हमको क्या होने वाला है, हमारा कुछ होने वाला नहीं। आपसे मुझे ये जानना है, मैं बिल्कुल अलग चीज, एक मित्र ने एक पोस्ट लिखी है आपको लेके कि आपने जिस तरह की पत्रकारिता की वो सांप्रदायिकता के खिलाफ, वो चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, आप जी मुसलमान हैं संयोग से धर्म के हिसाब से, और आपने मुस्लिम धर्मांधता के खिलाफ भी रिपोर्ट्स की हैं, जी आपको कहीं पर कोई चेतावनियां नहीं आई, आपको परेशानी नहीं हुई, किसी ने जिक्र किया कि आपने अलीगढ़ में खड़े होके मुस्लिम धर्मांधता के खिलाफ बात की, तो इन सब चीजों को लेकर के आपके अनुभव क्या रहे? संतोष जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर कन्विक्शन है और आपके अंदर किसी तरह का डर खौफ नहीं है और आप तोल मोल के नहीं बोल रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, तो आप किसी भी भरी मीटिंग में ये बात कह सकते हैं। आपने इसका जिक्र किया, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। यहाँ दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में एक एक प्रोग्राम हो रहा था और वो प्रोग्राम जो था उसमें दाढ़ी वाले मुसलमान भरे हुए थे पूरा ऑडिटोरियम, और एक बरेली के मौलाना है तौकीर रजा साहब, वो उसके चीफ गेस्ट थे। अब उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे, बदकिस्मती से उन्होंने मुझे भी बुला लिया और जफर आगा को, और वो मौलाना साहब तौकीर रजा साहब ने तकरीर शुरू की, हमने इस मुल्क पर 800 बरस हुकूमत की। अब एक ही जुमला उन्होंने बोला था, लेकिन मैंने कहा कि अगर आज इस आदमी को यहाँ मंच पे रोका नहीं गया हेड ऑन, तो ये बदतमीजी पता नहीं कहाँ फैलाएगा। मैंने कहा, मौलवी साहब ये बताइए कि आपके बाप ने, आपके दादा ने, आपके परदादा ने, किसने हुकूमत की, और क्या मैसेज दे रहे हो कि हमने हिंदुओं के साथ ये नहीं किया और मुसलमानों ने ये किया और ये किया, ये क्या बकवास आप कर रहे हो। तो आप यकीन मानिए कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि उस साहब ज्यादातर फॉलोअर उसके सामने बैठे हुए थे। लेकिन वो भागा वहां से मौलवी उतर करके, और हजारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने उसको देखा और ये कहा कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही काम किया। जफर आगा ने मेरी तारीफ की और तमाम लोगों ने कि अगर तुम इसको ना रोकते तो ये पता नहीं ये बकवास कहाँ आगे करता। यही बात दंगों की, उसमें भी जहां मुसलमान की गलती होती है तो हम कहते हैं और लिखते भी हैं कि ये किया। दूसरी चीज ये कि जो शाहबानों वाला मामला आया, मेरा मानना ये है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की सियासत में। आज जो ये अयोध्या का आंदोलन खड़ा हुआ और बाद में और सारे दंगे फसाद हुए, भागलपुर हुआ, मेरठ हुआ, बम्बई हुआ, भिवंडी हुआ, तो उसको मुस्लिम लीडरशिप ने, मैंने उन सबको क्रिटिसाइज किया, रविवार में क्रिटिसाइज किया, और मेरे ऊपर दिल्ली की जामा मस्जिद में जाने का बैन लग गया, क्योंकि मैंने उस वक्त के इमाम को क्रिटिसाइज किया कि इमाम का ये हक नहीं है कि ये इस देश के मुसलमानों का प्रतिनिधि बनकर, नेता बनकर के कोई राय दे। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई मुसलमानों की चुनी हुई संस्था नहीं है जो ये कह दे कि साहब तलाक के मामले पे या शरीयत के मामले पे उसने जो फरमान जारी कर दिया उसे आखिरी मान लिया जाए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और इस्लाम में इस बात को कहा गया है कि डिबेट करो, डिस्कशन करो, और कंसेंसस के साथ में अपनी चीजें तय करो, बदलते वक्त के साथ में तय करो। अब 1400 साल पहले जो चीजें हो रही थी, आज उन्हें आप करने लगिएगा तो वो रिलीवेंट नहीं है। और पूरी दुनिया में शरीयत कानून बदले हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में आप जाइए, वहां की लड़कियां शादी करने से पहले जिस लड़के के साथ शादी होने वाली होती है उसका एड्स का टेस्ट कराती हैं और बाकी मेडिकल चेकअप भी कराती हैं कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और उसे निकाहनामे में दर्ज किया जाता है। क्या हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अच्छा हिंदुस्तान के लोग इस बात को जी? और जिस शरीयत के लिए कहा गया कि जिस शाहबानों को, जो बेचारी इंदौर से निचली अदालत से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी और मुकदमा जीत गई, उसको भी बाद में डराने का काम किया कि तेरी आखिरत खराब हो जाएगी, यानी तू जहन्नुम में जाएगी। और किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई बराबर में एक हमारे मुल्क को तोड़ करके पाकिस्तान बना है, क्या वहां की शरीयत में तब्दीली नहीं की गई? लेकिन बनात वाला सलाहुद्दीन ओवैसी और शहाबुद्दीन जैसे लोग लोकसभा में खड़े होकर कहते थे कि अर्श ता फर्श हमारी शरीयत, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, तो आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये बात आप तभी कह सकते हो मुसलमानों के बीच में खड़े होकर के, जब आप ये भी कहो कि हाँ उनके साथ ज्यादती हुई है, हाशिमपुरा के 50 मुस्लिम नौजवानों को उठा करके इस देश में, जो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, गोली मार करके गंगनहर में बहा दिया गया। कस्टोडियल किलिंग का उससे बड़ा कोई मामला नहीं हुआ आज तक इस देश में,
कि आपने एक इस तरह से और फौज की मौजूदगी में किया, और अभी 2 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है, वो 16 PSC वाले जेल में बंद है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनका मुकदमा लड़ रहे हैं और उनको बिल्कुल रिहाई की बात कर बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सारी जो हमने बातचीत की आपसे, हमने इसकी बातचीत नहीं की जो हम आगे किसी और प्रोग्राम में करना चाहेंगे, क्योंकि आप समाजवादी नेताओं के, बहुत सारे नेताओं के संपर्क में आए, आप समाजवादी नेताओं के अलावा भी लोगों के संपर्क में आए, इन सब पॉलिटिकल वर्ल्ड के लोगों में किसने आपको आकर्षित किया? मधुलेमय मेरे गुरु थे और उनसे बहुत कुछ सीखा। और 1982 में वो सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया था। वेस्टर्न कोर्ट के एक छोटे से कमरे में रहते थे, खिचड़ी खा के और चाय कॉफी पी करके गुजारा करते थे, और आप जानते हैं कि टेलीग्राफ रविवार और संडे में उनके लेख छपते थे, उससे उनका गुजारा चलता था। सांसद के रूप में जो पेंशन मिलती है वो उन्होंने ली नहीं थी। फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्हें एक कमरा का मकान दिया गया पंडारा रोड में, वो उसमें रहते थे। तो रिटायर होने के बाद उन्होंने 10-15 किताबें लिखी, और उन किताबों की रिसर्च का काम वो हमसे कराया करते थे। नेहरू लाइब्रेरी में माइक्रोफिल्म देखना, फोटोकॉपी करना, और जिस दिन लेकर के हम जाते थे, जो भी वो काम बताते थे, 10 बार वो हमें डांटते थे, और बड़ा बुरा लगता था कि साहब हम तो काम करके लाए हैं मधु जी, लेकिन हर डांट में उनकी एक सीख होती थी, एक ट्रेनिंग होती थी। और लोकसभा सचिवालय ने जो उनके ऊपर मोनोग्राफ प्रकाशित किया, उसमें मैंने एक लेख लिखा है कि वो किस तरह से हम पत्रकारों के लिए भी एक ट्रेनिंग स्कूल का काम करते थे। और इंसाइक्लोपीडिया थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बता देते, आप फोन करिए उनको, आपको बता देंगे वो फौरी तौर पर। 1990 में एक घटना का बस जिक्र करना चाहूंगा आधे मिनट में, कि कई राज्यों के नेताओं को अलग अलग राज्यों से राज्यसभाओं में भेजा गया। बोमई साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्हें बीजू पटनायक लेके आए। मुफ्ती सईद को वीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश से भेजा। इंद्र कुमार गुजराल बिहार से आए। तो मुझे याद आया कि 1980 में जब प्रणब मुखर्जी गुजरात से राज्यसभा में भेजे गए थे, तब मधु जी ने कहा था, और खुद वो इसलिए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से नहीं गए थे, कि मैं ये फर्जी हलफनामा नहीं दूंगा कि मैं यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने मधु जी को फोन किया, और मधु जी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, सुबह और घर आओ। और घर पहुंचा मैं उनके पंडारा रोड, और कहा कि तिपहिया लेकर के आओ। तिपहिया स्कूटर में लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी जाके 1952 से और 1990 तक की सब राज्यसभा की हूज हू उन्होंने निकलवाई, और बोले सारे चोरों के नाम लिखो, कौन कौन चोर दरवाजे से अलग अलग राज्यों से आया। और मुझे 500 वर्ड्स की स्टोरी लिखनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मटेरियल दे दिया कि एक किताब लिखी जा सके। ऐसे थे मधु जी। और उनकी कभी उनके घर में टीवी नहीं था, एसी नहीं था, फ्रिज नहीं था। इस गर्मी में भी, दिल्ली की 45-50 डिग्री टेम्परेचर में भी, सिर्फ पंखे के नीचे रहते थे, अपने हाथ से चाय बना के लोगों को, अपने मेहमानों को पिलाते थे। बहुत न्यूनतम लिया अधिकतम दिया, उनके जैसा मतलब इधर पिछले 40-50 वर्षों में कोई नेता रहा हो, कोई आदर्श हो, मैं नहीं जानता। हम लोग एक यादें जिन्होंने भविष्य पे असर डाला, ऐसा एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, आपको उसमें आमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये जरूर सारी चीजें लोगों को जाननी चाहिए। अब जी, आज के पत्रकारों से अगर आप पूछें, वो जॉर्ज फर्नांडिस तक का तो नाम जानते हैं, लेकिन मधुलिमय जी का नाम वो नहीं जानते हैं। तो सही बात है। हम इस प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बुलाया, इसमें आपने कुर्बान एक चीज बहुत साफ तरीके से बताई कि पत्रकारिता के लिए आवश्यक क्या क्या है और पत्रकार में क्या गुण होने चाहिए। अगर वो गुण नहीं है तो वो अच्छा पत्रकार नहीं बन सकता है, वो आधा दूध आधा पानी हो सकता है, पर जिसको आप खरा पत्रकार कहते हैं वो नहीं हो सकता है। ये आपने विस्तार से बताया और ये लोगों की समझ में भी आया। मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को समाप्त करें और आपके बाद आने वाले पत्रकार, उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उन्हें पत्रकारिता में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी बातचीत में एक बड़ी खतरनाक बात की कि मेरे लिए भी सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है। अब लोग पत्रकारिता में आए या नहीं आए, इसके बारे में आप उनको कोई सलाह देना चाहेंगे? जी संतोष जी, बहुत ही वाजिब सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कि पत्रकारिता के बिना आज का मॉडर्न वर्ल्ड और डेमोक्रेसी ये चल नहीं सकते, ये इसके लिए बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन मेरी एक सलाह और एक मशवरा है कि जो भी पत्रकारिता में आए उसे
बहुत ज़्यादा अगर इतिहास वो ना जाने और पढ़े तो कम से कम नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 का, उसकी विचारधारा क्या थी, उसमें कौन कौन लोग थे और उसके आधार पर बने भारतीय संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक विरासत है वो संविधान के रूप में हमारे साथ है, जिसके तहत पिछला पिछले 70 वर्षों से ये देश चल रहा है। तीसरी दुनिया के देशों में भारत शायद अकेला एक ऐसा देश है कि जहाँ लोकतंत्र ने न सिर्फ ये कि अपनी जड़ें जमाई, बल्कि वो बड़े वृक्ष के रूप में आया है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और बहुत जगह पे रिसर्च हुई है और किताबें लिखी गई हैं कि ये तीसरी दुनिया के देशों में अकेला ऐसा देश था जिसमें न कभी फौजी तानाशाही आई, इमरजेंसी के 19 महीने आप छोड़ दीजिए जो एक बदनामा दाग है। तो आम तौर पर हमारी एक अच्छी स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका ये रही और इंस्टीट्यूशन रहे और ग्रास रूट से लोग आए, और आज प्रधानमंत्री भी ये दावा करते हैं कि वो चाय बेच करके आए। तो ये जो चीज है इसका समझना बहुत जरूरी है। और इसमें आपने देखा कि चाहे वो मंडल का आंदोलन हो या कुछ सांप्रदायिकता का सवाल हो, अगर आपका दिमाग साफ नहीं है और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर चीजों को नहीं सोच रहे हैं, जी तो मुझे लगता है, हालांकि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि मेरी नजर में वो आदमी एंटी नेशनल है जो एग्जिस्टिंग जो हमारा निजाम है यानी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे बाहर जाकर के सोचता है। और दूसरी चीज ये है कि चीजें बहुत खतरनाक हो रही है, मीडिया बेपनाह बुरी तरह से कम्युनलाइज हो गया है, यही कम्युनलिज्म न्यायपालिका में भी फैल गया है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो एक हमारा आखिरी इंस्टीट्यूशन है जो जिस पे हमारी नजर है, भारतीय सेना, उसको भी किया जा रहा है। ये शुभ संकेत नहीं है। देखिए ये देश जो है वो हजारों साल में बना करते हैं, एक दिन में नहीं बना करते। हमें बड़ा फख्र होता है जब हम भारत के बाहर ये कहते हैं कि हम इतनी सारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा के साथ में इतना बड़ा देश है और चल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की मानसिकता विकसित की जा रही है, तो पत्रकारिता के लोगों को सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उनका दिमाग साफ हो। दिमाग की सफाई SYS की ट्रेनिंग कैंप्स में कहा जाता था, बहुत जरूरी है। अगर आप दिमाग साफ नहीं कर पाओगे अपना और आपके अंदर बायस रहेगा तो आप इंसाफ नहीं कर पाओगे। धर्म क्या है पत्रकारिता का? पत्रकारिता का धर्म यह है कि आप जो बिल्कुल साफ गोई के साथ बात करें, बिना लाग लपेट के बात करें और किसी के साथ पक्ष होता हुआ ना दिखे, और ये ना लगे कि आप किसी के हिमायत में खड़े हुए हैं। और दंगे तो उसमें ऐसी चीज है कि अगर अभी दिल्ली की दंगों के बारे में जिस तरह का माहौल बन रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, देश को तोड़ने वाले। और दूसरी चीज ये कि समाज को भी आगे आना पड़ेगा। देखिए आज जो है वो कोई भी पत्रकार, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई और हो, ये दावा नहीं कर सकता कि हम एक ऐसा पत्रकारिता का स्कूल बनाएंगे जिसमें आइडियलिज्म होगा और हम जो है सरवाइव कर पाएंगे। तो हमारे सामने आज भी बाजार और कॉरपोरेट खड़ा हुआ है, वो हमें नहीं हिलने देगा। उसके मुकाबले में वैकल्पिक मीडिया बनाना पड़ेगा, और जो पहले सेठ साहूकार थे, चाहे वो एक्सप्रेस वाले हों या टाइम्स ऑफ इंडिया वाले या हिंदुस्तान टाइम्स वाले, वो कम से कम अपने संपादकों को इस बात की इजाजत देते थे कि वो अपनी तरह से चीजें कर लें। कई बार टकराव भी होता था और संपादक हटाए भी जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था जैसा आज हो रहा। आज तो आप अगर जरा सा भी आप उसकी नजर पलक नहीं समझ रहे हैं मालिक की, तो आपको सेक कर दिया जाएगा। ये एक भयावह स्थिति है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आना चाहिए जर्नलिज्म में, और जिस तरह से AJK MCRC, यहाँ जामिया का मास कम्युनिकेशन सिस्टम, वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म और एक और दूसरा साइंस और इकोनॉमिक्स का जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट खोलें, इसकी बेहद ज़रूरत है। अच्छे पत्रकार आए, सिर्फ पॉलिटिकल जर्नलिज्म ना हो, बाकी जर्नलिज्म भी हो। ये एक CSE संगठन है जो कि पर्यावरण पे अद्भुत काम करता है, उसमें जो काम करने वाले मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा पत्रकार तो होंगे ही, जो अद्भुत काम करते हैं, डाउन टू अर्थ मैगजीन निकालते हैं। इस तरह की मैगजीन, इस तरह के जर्नलिज्म की जरूरत है। तो मेरा आने वाली पीढ़ी को ये कि वो आए, लेकिन हाँ ये दिल सख्त करके आए कि वो पैकेज वाली नौकरियां नहीं होंगी जो MBA करने के बाद में मिल जाती हैं। बड़े बड़े सर्वाइवल के लिए आपको जो है धक्के खाने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर फ्यूचर आपका ही होगा। जब एक हमारा नया देश बनेगा तो उसमें इन्हीं सारी चीजों को याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कुर्बान। इसको समाप्त करने से पहले मैं दो कमेंट सिर्फ करना चाहूँगा। एक तो आपने जो कहा कि आने वालों को पिछले 100 साल का इतिहास पढ़ना चाहिए आज़ादी का,
और संविधान को जानना चाहिए। इसके साथ दो चीजें, दो छोटी किताबें हैं, उन्हें और मैं राय देता हूं कि उन्हें पढ़ना चाहिए अगर आपको समाज को समझना है। एक तो कार्ल मार्क्स की लिखी हुई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा गांधी जी की लिखी हुई हिंद स्वराज्य। बहुत छोटी छोटी दो पुस्तकें हैं, इन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। दूसरा, जरूर कल मुझे किसी ने कहा कि कुर्बान के पिताजी कैप्टन अब्बास अली ही, उन्हीं की बात आप कर रहे हैं ना, तो मैंने उनसे कहा नहीं, कैप्टन अब्बास अली के पुत्र कुर्बान हैं, आप एक बड़े पिता के पुत्र हैं, ये आपको सौभाग्य मिला। और वो उनके जैसा लड़ाकू, उनके जैसा समझदार, उनके जैसा डाउन टू अर्थ फ्रीडम फाइटर कमी ही हमने देखे हैं। इसलिए उन्हें इस प्रोग्राम के अंत में याद करते हुए मैं इसे समाप्त ये कह के करना चाहता हूँ कि कुर्बान अली साहब को हमने जिस उद्देश्य से बुलाया वो उद्देश्य पूरा हुआ। आज के पत्रकारों को, आज के लोगों को जिनकी पत्रकारिता में रुचि है, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं देश में या विदेश में या देखेंगे, क्योंकि ये कल से और ज्यादा सर्कुलेट हो जाएगा, जी उन लोगों को ये समझ में आएगा कि भारतीय पत्रकारिता में किस तरीके से बदलाव आया है। और अगर पत्रकारिता का सही अर्थ जानना है तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मर्मरिंग हो रही है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, वो भी आने वाला है। और कुर्बान जैसे बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे हमारे यहाँ आएंगे, आके अपनी बात कहेंगे, तब आप समझेंगे कि जो जिसको कहते हैं प्रो पीपुल जर्नलिज्म, वो क्या होता है, जिसे कुर्बान ने अपने जीवन में अपनाया। और ऐसे लोगों के बारे में भी जानेंगे जिनका कुर्बान अली साहब ने जिक्र किया, उदित शर्मा जैसे लोगों के बारे में, जिनको आज के लोग कम जानते हैं लेकिन जिन्हें जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं जानेंगे तो रिपोर्ट करने के पीछे कैसा पागलपन चाहिए वो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट बिना किसी जुनून के और बिना किसी पागलपन के हो ही नहीं सकती, जिसका एक उदाहरण श्री उदयन शर्मा के। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्रोग्राम शुक्रिया आपका के। भाई साहब कि आपने ये याद किया। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही और मुझे यकीन है कि इसे देखने वाले और सुनने वाले पसंद करेंगे। बहुत बहुत आपको शुक्रिया, और फिर आपसे हम उस प्रोग्राम में मिलेंगे जिसमें यादें जिन्होंने भविष्य की नींव डाली, उस प्रोग्राम को हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आपको जल्दी बुलाएंगे। और उसमें अगले सोमवार को जो सबसे पहला नाम मैं आपका सहारा लेकर के घोषणा कर रहा हूँ, शायद वेद प्रताप वैदिक जी आएंगे, जो अटल बिहारी वाजपेयी से अपने संस्मरणों के उन हिस्सों को शुरू करेंगे जिन्होंने इस देश की राजनीति को प्रभावित किया। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद, धन्यवाद। धन्यवाद।